कार भैया, नमस्कार भैया। और क्या हाल चाल है चाचा? बढ़िया है भैया। चाचा ये कौन सी फसल लगा रखे हैं आम? करेला है। करेला की फसल है। क्या दिक्कत है इसमें दादा? ये पत्ती नीचे से, ये जो पत्ती देख रहे हैं जी जी जी, ये पत्ती जो है नीचे से लेकर के कहाँ थोड़ा तक जल, थोड़ा स्पष्ट दिखाइए कहाँ से? ये यहाँ से नीचे से चलती है। अच्छा, और धीरे धीरे करके ऊपर को चल बढ़ रही है। नीचे से सूखने लगती है और ऊपर को बढ़ती जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये किसान भाई ने हमारे बताया है। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। चाचा आपका क्या नाम है? भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद, और ये संतोष कुमार भैया जी के यहाँ आए हुए हैं। हम ये करेले की फसल देखने आए हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं करेले की फसल में ये आप देख रहे हैं पत्तियाँ सूख रही हैं, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ पत्तियाँ सूखने लगती हैं। किसान भाइयों, यदि कोई ऐसी समस्या है आपकी फसल में तो आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का आप इस छिड़काव करें। यदि आपके फसल में ऐसी कोई समस्या है कि नीचे से पत्तियां ऊपर की ओर जा रही हैं तो कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का कम्बिनेशन आता है, जिसकी जो मात्रा होती है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। और यदि इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसा कि रोग अपना व्यापक रूप ले चुका है, बहुत तेज़ी से लगा हुआ है, तो आप इसमें नेटिवो जो कि बायर क्राफ्ट साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है, आप इसको लाकर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर छिड़काव करें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों देख रहे हैं आप ये जो करेले की फसल लगी हुई है आप देख पा रहे हैं काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है। कितना लगा हुआ भैया? 15 बिस्वा करेला, 10 बिस्वा तुरई। 15 बिस्वा इनका करेला लगा हुआ है जो कि लगभग, और 10 बिस्वा के करीबन तरोई लगी हुई है। लेकिन ये जो करेले में समस्या है यही देखने आए थे। अगर ये आपके इसमें ऐसी कोई समस्या है किसान भाइयों, तो आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल टाटा कंपनी का जो कि ताकत के नाम से आता है आप ले सकते हैं, और उसके बाद में इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और यदि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है तो आप बायर क्राफ्ट साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेटिवो आता है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर डाल सकते हैं, जिसका जो टेक्निकल होता है वो टेबुकोनाजोल होता है। किसान भाइयों, तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर आप एक एक हफ्ते पर अर्थात 7 दिन पर 2 बार स्प्रे करें तो खड़ी फसल पर, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।